तो दोस्तों लगातार क्रिप्टो मार्केट में हमें लगातार डाउन फॉल देखने को मिल रहा है और मार्केट को अभी तक कहीं भी सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। और वीकली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोसीज है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिटकॉइन अभी $18,000 पर पहुंच चुका है और हो सकता है कि आपको यहाँ पर 10 से 15 हजार डॉलर तक भी आने वाले समय जाता हुआ दिख सकता है। अब हम रीजन्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं और टैक्स से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो भी दोस्तों हर एक कंट्री वाइड अभी भी बहुत सारी चीजें फिक्स नहीं है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रही है। दोस्तों अभी हम बात करते चले, इन्वेस्टर्स काफी स्ट्रेस में हो चुके हैं जो यहाँ पर लगातार हमें डाउन देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर क्रिप्टो एनालिसिस पर जाकर आप ज्यादा जानकारी यहाँ पर डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो अभी एक्सट्रीम फियर की कंडीशन है 6 पर अभी जो मार्केट का सेंसेक्स जो चल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर स्ट्रोंग सेलिंग का सिस्टम अभी आप देख पा रहे हैं, अभी तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। वही बात करते चले अगर अदर कॉइन्स की तो बेबी डोज कॉइन अभी 1.45 मिलियन फॉलोअर्स को अचीव कर चुका है। और जो बेबी डोज कॉइन और शिबायनू कॉइन को देखें तो अभी बेबी डोज कॉइन यहाँ पर करीब 35% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है पिछले वीक के अंदर। और यहाँ पर शिबायनू कॉइन में भी 23% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने में आ रही है। अभी अगर हम देखें कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज आने लगती है दोस्तों तो यहाँ पर करीब करीब 38% की यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अभी की सिचुएशन में तो हमें इंतजार करना होगा। और आप लोगों को क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स।